गहलोत सरकार ने अपने बजट में उदयपुर वाटी में सरकारी कॉलेज की घोषणा तो कर दी, लेकिन सरकार का उच्च शिक्षा मंत्री में बेहतरीन दावा उदयपुर वाटी में दम तोड़ता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, मात्र दो कमरों में ही कॉलेज चल रहा है और युवाओं का भविष्य अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया, पढ़ाई के लिए आते हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है और न ही क्लासरूम में बैठने की कोई व्यवस्था है। महाविद्यालय में पढ़ने आने वाले युवा खाली कमरों में बिना दरी के नीचे बैठकर वापस चले जाते हैं। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कहा कि कई बार ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर, SDM, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर अवगत करवा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान महाविद्यालय में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधा भी नहीं है। सरकार के बड़े दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, लेकिन सरकारी कॉलेज के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की माने तो स्कूल में पास होने के बाद उन्हें सपना देखना था कि अब महाविद्यालय में पढ़कर अपना भविष्य बनाएंगे, लेकिन उन्हें तो यह स्कूल जैसी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया, 18 अक्टूबर से महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं होने से क्या पढ़ें कुछ समझ में नहीं आ रहा और आगे बिना पढ़ाई कैसे पास होंगे इसकी चिंता खाई जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर BA पार्ट के जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लेक्चरर की और बोर्ड्स की पीने के पानी की एंड तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं विधायक महोदय और SDM साहब से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आवश्यक जो व्या करवाई जाए। तो दो या तीन बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और मैं आपसे मतलब निवेदन करना चाहूँगा कि कॉलेज के अंदर 100 से 150 के बीच स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो उनकी व्यवस्था की जाए। ऐसे हूँ और यहाँ पे 18 अक्टूबर से क्लासेज चालू है लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। और सबसे खास बात तो यहाँ पे बैठने की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। टीचर्स यहाँ पे आ रहे नहीं है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके टीचर्स नहीं है तो हम कैसे उन सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और फिर पेपर फाइट नहीं हो पाएंगे तो पेपर ड्यू रह जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे मतलब व्यवस्था की जाए टीचर्स की और भी जो व्यवस्था बाकी है उनकी। अक्टूबर से हमारी कॉलेज ही स्टार्ट हो गई है लेकिन हमारी कॉलेज में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, न पढ़ाने के लिए लेक्चर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और बगैर पढ़ाई की हो यही जा रहे हैं, यहाँ कोई लेक्चर आ रही नहीं है, न पीने की पानी की व्यवस्था है, न दरिए नीचे ही बैठना पड़ता है विद्यार्थियों को। तो जिला कलेक्टर, विधायक, SDM सबको ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो आपसे निवेदन है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी व्यवस्था की जाए। इसमें लेक्चरर की सुविधा नहीं है तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। लेक्चरारों की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए पढ़ाई का अभाव के कारण बच्चे फेल हो सकते हैं, बच्चों के भविष्य खराब हो सकता है। कॉलेज में ऐसी ही पढ़ाई चलती रही तो हमें दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। मेरा नाम प्रकाश चंद्र सैनी है, बागोरा गाँव से आता हूँ। उदयपुर वाटी ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं की बालिकाओं को जल्द ही साइकिल की सौगात मिलने वाली है। 2020-21 की साइकिलें एक साथ वितरण होगी जिसमें उदयपुर वाटी ब्लॉक की 2500 साइकिलें वितरण की जाएगी, लेकिन इस बार साइकिलों का रंग भगवा की जगह काले रंग की साइकिल वितरण की जाएगी। इस साल 10वीं में अध्ययनरत छात्राएं भी साइकिल में लाभान्वित होगी। इसका कारण बीते सत्र में कोरोना महामारी बताई जा रही है कि साइकिलें भी इस बार वितरण की जा रही है। इस दौरान पिछले एक महीने से उदयपुर वाटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में 10 लोगों के द्वारा साइकिलों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 1000 साइकिल तैयार हो चुकी है। साइकिल जोड़ने वाले मिस्त्री ने बताया अभी तक 1500 साइकिल और तैयार करनी है। हो गई यहाँ पे और अभी 1500 साइकिल बाकी है। वाटी खेल मैदान में तैयार की जा रही है साइकिल। अभी तक यहाँ टोटल हो चुकी है 1000 साइकिल। हम उत्तर प्रदेश से, मेरा नाम मोबिन अली। अब तक कितनी साइकिल हो चुकी है टोटल तैयार? टोटल 1000 तक साइकिल तैयार हो चुकी है। और कितनी साइकिलें वितरण होगी यहाँ? यहाँ 2500 के लगभग साइकिल वितरण होगी दोनों सप्ताह की। 2021 और 22 की दोनों साइकिल अभी फिट हो रही हैं, अब की बार दोनों बटेंगी।